नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम बज गया हो गया है और सुबह बज रहे हैं 10। तो 10 बजे मेरा सारे काम सुबह का हो गया है और अभी मैं नहा धोकर पूजा करने जाऊंगी। तो फिर आज ना हमारे यहाँ जो घर के सामने जो मेरा शिव मंदिर है यहीं पर, तो वहाँ पर ऐसे घटना घटी है कि सब कोई एकदम हैरान हो गए। और बहुत ज़्यादा काल से ही भीड़ है। कल रात को हम लोग को पता चला, जैसे कि 10-10:30 बजे पता चला रात को। तो फिर उस टाइम तो पूजा नहीं करने सकी, ऐसे ही देखने गई थी और देखकर आ गई थी। और अभी जैसे सुबह नहा धोकर मैं जा रही हूँ पूजा करने, और तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। पहले मैं घर पर पूजा कर लूँगी, जो रोज़ का जो पूजा है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मंदिर। तो चलिए आप सबको भी मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो फ्रेंड, अभी मैं घर पर पूजा कर ली हूँ और जा रही हूँ शिव मंदिर। तो सुनने में आया, मतलब सबको ये बोल रहे हैं कि नंदी, मतलब शिव मंदिर में जो नंदी भगवान है तो वो ना पानी पी रहे हैं। तो फिर हम लोग तो रात को देखने गए थे, तो लोग चम्मच से पिला रहे थे, तो चम्मच के पानी जैसे उनके मुंह के सामने रख दे रहे थे ना, तो चम्मच के पानी जो है ख़त्म हो जा रहा था अपने आप। तो वो तो मैं देखी हूँ, इसलिए विश्वास भी कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैं भी जा रही हूँ लोटा में पानी लेकर और अगरबत्ती लेकर, तो चलती हूँ पूजा कर कर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं मंदिर पहुंच गई हूं। और ये देखिए हमारे शिव मंदिर का जो है, शिव जी मंदिर का नज़ारा। और ये माता रानी है और ये शिव पार्वती जी है। और यहां पर ये देखिए ये शिवलिंग है, और यही शिवलिंग जो है शिव भगवान उन्होंने ही जल पान कर रहे हैं। और काल से ही ये रात से हम लोग को पता चला, मतलब सबको पता चला, इससे पहले इस तरह का घटना कभी नहीं मतलब हुआ था। तो रात को जैसे पता चला, तो उस टाइम मतलब खाना पीना सब खाए थे, तो कोई पूजा नहीं कर सकते हैं। और तो फिर सुबह नहा धोकर देखिए मैं भी पूजा करने आई हूँ। और मैं सिंपल सा मतलब पूजा करने बस जल ही लेकर आई थी, प्रसाद वगैरह मेरा उतना ध्यान नहीं था तो नहीं लेकर आई थी। और ये देखिए ये नंदी जी जो है इस तरह करके पानी आपके आंखों के सामने में है, सारे जल जो है चम्मच में वो सारे ख़त्म हो जाएगा। और एक दो बूंद ही शायद नीचे गिरा होगा नंदी भगवान को जो पिला रहे थे। और ये देखिए ये शिवलिंग जो है, ये इधर ना एक बूंद भी जल इधर उधर नहीं होता है, लेकिन पूरे जल जो है चम्मच से अपने आप मतलब खींच ले रहा है। और इस तरह चम्मच के बस सटा कर रखें शिवलिंग के साथ, तो पूरा मतलब जल जो है वो खींचा जा रहा है, सूख जा रहा है। देखिए आपके आंखों के सामने ये हो रहा है। और मैं इसीलिए जब मंदिर खाली हुआ, मैं देख देख कर गई थी 2-3 बार, जब मंदिर खाली हुआ उसी टाइम आए, क्योंकि मतलब ताकि आप सबको भी मैं ये हमारे यहाँ शिव मंदिर में जो हो रहा है उसका दृश्य मतलब सबको दिखा पाएँ, इसीलिए मैं आई हूँ जब भीड़ नहीं था उस टाइम। तो मेरा इस तरह करके पूजा हो गया था। और ये सारे माता रानी कृष्णा राधा कृष्णा जी भगवान जितना है सारे मैं पूजा कर ली हूँ। और ये हमारे मंदिर ये बहुत ही अच्छा लगता है, हफ्ता में एक दिन तो आती हूँ पूजा, जिस दिन पूजा करती हूँ। और ये देखिए ये मैं अपने हाथों से ये वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए ये जो हुआ, मैं खुद हैरान हूँ, सब कोई हैरान है यहाँ पे। और एक बूंद भी जल इधर उधर नहीं हुआ था। और देख सकते हैं किस तरह सा मतलब घटना घटी, ये मैं फिर से मतलब दिखा रही हूँ आप सबको। तो फ्रेंड, काफ़ी टाइम बाद में मिल रही हूँ, जैसे कि सुबह में उस टाइम पे नहा धोकर पूजा करने गई थी, तो पूजा कर कर आने में मेरा 10 बज गया था। और आप सब ने देखा ही हमारे शिव मंदिर का जो है नज़ारा, शिव जी ने और नंदी जी ने तो पानी वगैरह जो पी रहे हैं। अब चमत्कार है या क्या है बता तो नहीं सकते, बस मैं भी अपने आँख से देखी हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, अभी इस टाइम पे थोड़ा कम है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा भीड़ था। पता नहीं दिल्ली से कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे और दूर दूर से देखने, और दिल्ली के लोग सब कोई हैरान है ये देख के जो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि सब
देखिए वो ना पता नहीं पानी सूख मतलब चम्मच से तो सूख जा रहा था नंदी को पिलाने के टाइम। नंदी जी को जब पिला रहे थे तब एक दो बूंद अपने आप नीचे गिर रहा था, लेकिन शिव जी के पिलाने के टाइम पे पानी अपने आप खींचा जा रहा था, कहीं भी नहीं गिरा या कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं इधर उधर गिरा है। और पता नहीं मैं भी हैरान हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरह देखी हूँ। और तो पूजा वूजा करने के बाद आ गए सीधे घर पर, और उस टाइम पे मेरा काम था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी। सीधे खाना वाना खाए उसके बाद सारे बर्तन वर्तन धोकर होता है ना किचन का सफाई, तो वो सब करने के बाद में अभी थोड़ा टाइम मिला था तो छत पर आ गई हूँ। और ये देखिए मैं अभी अमरूद खा रही हूँ क्योंकि मम्मी जी ने अमरूद काटी तो मम्मी जी भी खा रही है और मुझे भी ये है। तो फ्रेंड्स आज वुमेन डे है तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेंस डे पर मैं देखिए कुछ शॉपिंग की हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ये बाजाज आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल है जो मैं यूज करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी यूज करते हैं काफ़ी दिनों से। तो ये दोनों के लिए बहुत ही दिन तक चल जाएगा क्योंकि ये 500 ml का है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिए ये एक लिए थे बालों के लिए। और दूसरा जो है ये शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू 2 in 1। इसमें एंटी डैंड्रफ फ्री और कंडीशनर भी एक साथ मतलब मिलता है, और ये पूरे 650 ml का है। तो ये ना काफ़ी दिन तक जैसे चलता है, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही यूज करती हूँ तो मैं बड़ा वाला बड़ा पैक ले ली हूँ। और ये शैम्पू में आप यकीन नहीं मानोगे ये बहुत ज़्यादा छूट मिला है हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा छूट मिला है तो इसीलिए मैं बड़ा पैक ही मंगवाई थी। और सेकंड जो है ये मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने लिए गार्निया मेन फेस वॉश मंगाए हैं एक, और ये भी एक्सेल मतलब बड़ा ही पैक है एक्सेल साइज का, और ये 150 g का है। तो ये वो तो मतलब उन्होंने अकेले यूज करेंगे तो बहुत दिन तक हो जाएगा, तो ये भी एक मंगाए थे। और थर्ड जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं मेरे बेटे के लिए मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन से कपड़ा मंगाई हूँ अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन का कपड़ा बहुत ही अच्छा मतलब क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए छोटा सा मतलब छोटू सा कपड़ा आया है, और ये वाइट एंड ब्लैक में आया है और इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है। और पेंट भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी पॉकेट भी 2 मिला है, और इलास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये मेरे बेटा में बहुत अच्छा लगेगा जो मैं पहना तो ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह का पेंट के साथ ये शर्ट बहुत ही अच्छा मैच हुआ है, और इस तरह कलर का उसके पास था भी नहीं, और ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है शर्ट में भी और पेंट में भी, और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद जो मैं मंगाई थी अपने लिए कुर्ती मंगाई थी ब्लू कलर का, तो ये कुर्ता है और इसमें फ्लावर का डिज़ाइन किया हुआ है प्रिंटेड दिया हुआ है, और ये बहुत इस तरह का नेक में डिज़ाइन दिया गया है जो मेरे पास मतलब था भी नहीं नेक में डिज़ाइन किया हुआ एक भी सूट। तो इस तरह देखिए ये इसका स्लीव भी बहुत ही अच्छा है, और घेर भी कितना अच्छा है देख सकते हैं घेर भी बहुत ही ज़्यादा है, और इस तरह इसमें भी जेब दिया गया है तो देख सकते हैं, और ये इसका स्लीव भी है तो मतलब बेल्ट भी दिया गया है, तो फिर मुझे पसंद आया तो मैं ले ली थी। और पहनने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये वाला कुर्ती। और उसके बाद मुझे एक साड़ी पसंद आ गया था क्योंकि इस तरह का मेरे पास साड़ी नहीं था, मतलब ये जिसका प्लेट बनता है वहाँ पर दूसरा कलर रहता है वो वाला, उस तरह का साड़ी नहीं था 2 कलर में। तो ये देखिए ये इसका कलर कितना प्यारा है ना, देखिए पूरे पिंक और वाइट में है साड़ी प्रिंटेड, और पूरे साड़ी में फ्लावर का डिज़ाइन किया हुआ है ये देखिए। और ये इसका आंचल जो है ये पिंक कलर का है, और इसमें गोल्डन कलर का प्रिंटेड इस तरह का किया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए हम इस तरह नाखून से कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा है, और ये शिफॉन साड़ी है तो ये मतलब पहनने भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो जैसे कि कहीं जाने आने में पूजा वूजा में थोड़ा सा तुरंत मतलब पहना जाता है ये सब साड़ी में, बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है। और इसका ये ब्लाउज पीस है, तो ये ब्लाउज पीस में आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेस लगा हुआ है, और इस लेस का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसमें पूरा पूरे साड़ी में ही तो इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, सॉफ्ट है शिफॉन साड़ी है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
तो ऐसे पता नहीं चल रहा था। तो देखिए पहनने के बाद कितना ज़्यादा खुलकर साड़ी निखर कर बाहर आया है। और देखिए कुछ प्रिंट है तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया ये साड़ी। और आज वुमेंस डे है तो मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेंस डे स्पेशल शॉपिंग मेरा कैसा लगा आप सबको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए साड़ी कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये देखिए कुर्ती, कुर्ती ये जो है ये लॉन्ग कुर्ती है तो और काफ़ी ज़्यादा घेर है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया तो मेरे लिंक के थ्रू आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आप सबका मेरे मतलब हमारे शिव मंदिर में जो हो रहा है या तो जो हुआ उसके बारे में मतलब क्या सोच है विचार है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और पता नहीं ये क्या है वो भी बताइएगा। तो अभी मतलब मेरा वीडियो यहीं तक का था। और आप सबका आज का वीडियो शिव जी का ये नज़ारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।